दिल्ली में जैसे जैसे ठंड का मौसम परवान चढ़ता है वैसे वैसे दिल्ली की हवा जहरीली और दम घोटू होती जाती है। सालों से दिल्ली की सेहत बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन नतीजा शून्य ही रहा है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने की कोशिशों पर सवाल किए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हवा को बचाने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। अब इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या निकलेगा इसका इंतजार दिल्ली को है। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली में प्रदूषण की मुसीबत से सावधान, दिल्ली में दम घोटू जहरीली हवा से सावधान, दिल्ली में बदलते ठंड की दस्तक के साथ आने वाली मुसीबत से सावधान। मौसम में गुलाबी ठंड का एहसास दस्तक दे चुका है। चिलचिलाती गर्मी और मूसलाधार बरसात के बाद अब बारी है कड़ाके की सर्दी की, और दिल्ली में सर्दी के साथ आता है प्रदूषण, काला धुआं, दम घोटू हवा और अंधकार। दिल्ली को ठंड में जहरीली हवा से बचाने के वादे और दावे सालों से किए जा रहे हैं लेकिन हालात हर साल जस के तस नजर आते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CQM को आड़े हाथों लिया। शीर्ष अदालत ने आयोग से कहा कि वो एक निर्देश दिखाए कि उन्होंने CQM अधिनियम का अनुपालन किया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस AG मसीह की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने आयोग से कहा कि अधिनियम का पूरी तरह से गैर अनुपालन हुआ है।